हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? आए हाय 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 यूट्यूब चैनल एयरबर्ड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं की हुई मैंने, यहाँ पे गंद मचा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको अपना तीतर दिखाता हूँ, ये ब्लैक तीतर है। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत होता है, लोग अपने शौक के लिए रखते हैं, मैंने भी अपने शौक के लिए एक रखा है। और ये ब्रीडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता, ये ना ब्रीडिंग वगैरह नहीं करता होता, ये सिर्फ शौक के लिए रखते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे आऊँ तो ये एक वाइट मादी है, ये फीमेल है, वाइट है बिल्कुल तीतर, ठीक है। और ये इसके साथ छोड़ी हुई है, लेकिन ये इसे मारता है, इसलिए इसको अंदर ताड़ा हुआ है, इसको बाहर छोड़ा हुआ हमने। उसके बाद ये माशाल्लाह यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये जो अंडे रखे हैं ना कबूतर के नीचे, ये इसके नहीं है, ये तीतर के बच्चे के हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उन्हें तीतर के बच्चे के रखे हुए हैं अंडे, इनके उठा के फेंक दिए हमने और तीतर के नीचे रख दिया इनके। आपको एक और शुगल दिखाता हूँ, इसको मैं खोल के ना दूर भागूंगा, देखना ये उड़ के मेरे पास कैसे आता, देखना देखना। आजा 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 आजा, ओए ओए इधर इधर, वो वहां पे जाके बैठ गया। तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, ये तो बदतमीज है, नहीं मान रहे यार, आज नहीं बात माननी मेरी, गलत पे हो गया उसको, गलत है, खाना नहीं देना उसको आज हमने, ज्यादती है यार ये। तुम लोग कहाँ पे चढ़ के बैठे हो भाई, नीचे आओ। उसके बाद मैं अपने बच्चों को एक दफा नजर मार लूं। ओ यार मेरा पैरट बीमार है यार, ये वाला ना बहुत बीमार हुआ पड़ा है, ये मेरे ख्याल में नहीं बचेगा यार, ओए होए ये बीमार है। और बाकी माशाल्लाह चलो सेहतमंद है, चलो ये बाकी सारे सेहतमंद हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, और इसको देखें ये भी माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन आई थिंक इसे बुखार ना हो गया हो, ये भी सारे सेहतमंद हैं माशाल्लाह। खाना भी इनकी बैली में भी है, ये मैं एक पकड़ के आपको दिखाता हूँ, ये कवर्ड के नज़दीक है, ये देखें इसके अभी ना बैली में खाना वाना हर चीज़ है, ये फिट है, ये देखना भागेगा भी अभी, ये भागे भागे भागे, वो वाला सबसे बड़ा हो गया, ये वाला ये देखें जी, ये वाला फुल बड़ा हो गया, अब दो चार दिन तक ना इसको टेम करना स्टार्ट कर देंगे हम। भाग के आ रहा है अब, ये भाग के आ रहा है, अब ये भाग के आ रहा है, अच्छा अच्छा, अब पहले क्यों नहीं आए थे? अच्छा पहले वो था, पहले वो था, वो नहीं है, अब उसे खाना नहीं देंगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा भाई आज, तुम्हें खाना दूंगा, ठीक है ना, आ जाओ, इसकी बैली खा ली है, ये बड़ा हुआ है अभी तो। अच्छा जी, मैं सोच रहा था ना आज इन कॉकटेल्स को ना उनके वहाँ पे छोड़ दूँ मैं और दूसरे बड़ों के साथ, लेकिन ना यार ये पता नहीं खाएंगे नहीं, अभी मैं हैंड फीड पे रखता हूँ, क्योंकि ये दो तो ज़्यादा ही छोटे हैं, ये तो अभी उड़ते भी नहीं हैं, इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। अब ज़रा सा हम बाहर से होके आते हैं और देख के आते हैं, मैगपाई का बच्चा यहाँ पर बैठा है, बाहर से होके आते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह हमारा प्रोसेस, ब्रीडिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, किस किस ने अंडे शंडे दिए हैं, किस किस ने नहीं दिए। सबसे पहले मैं तीतर का ये पिंजरा खोल के अगर दिखाऊँ आप लोगों को, तो तीतर ने अंडे दिए हैं कि नहीं? ये जी फीमेल देखें जी, ऊपर बैठी हुई है अंडे दे के, तो हम इससे दूर ही रहते हैं, ये देखें, ये देखें कि 6-7 अंडे हैं और दे के बैठी है, हम डिस्टर्ब नहीं करते इसको, हम बंद करते हैं और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये फीमेल ऊपर, इसके बच्चे थे, वीडियो टिकटॉक पे वायरल हुई है, 6-7 लाख व्यूज़ आए हैं और मिनटों सेकंडों में बच्चे मेरे सारे सेल हो गए। बाकी इसने दोबारा से अंडे दे दिए हैं और ये भी डरते हैं मुझसे, ये ज़्यादा टेम नहीं है, इस वजह से इसको भी हम बंद कर देते हैं। बाकी ये फीमेल भी, ये तीसरी वाली फीमेल जो है ना, ये वाले, इसने भी अंडे दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर बैठी है अंडे दे के, 8-10 अंडे इसने भी दे दिए हैं और ये माशाल्लाह लाइन लगाएंगी बच्चों की इस दफ़ा। उससे अगर मैं आगे जाऊं तो ये देखें जी, ये दखनी की मादी है, ठीक है, ये दखनी कलर है, ये दखनी की मादी है, और उस साइड पे ना जो है वो वाइट तीतर हैं अभी तक, लेकिन वाइट हुए नहीं और उन्होंने भी अंडे दे हुए हैं, वो एंड पे ना वो देखें, अगर मैं यहाँ से कैसे दिखाऊं, उसको दिखा नहीं पा रहा। अगर इसकी बात करें तो ये मेल है यहाँ पे और इसकी फीमेल भी वहाँ पर अंडों पर बैठी है, ये अंदर बैठी है, वो सर नजर आ रहा है उसका थोड़ा सा, वो अंदर अंडों पर बैठी है। उसके बाद हम फिंचेस के पास आते, हाय 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 कितनी खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक नज़ारा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, दरवाज़ा खोल के, ये देखना माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं यार नज़ारे, आए हैं वो गोल्डन फिंचेस तो लेवल की लगती हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने भी बच्चों की लाइन लगाई पड़ी है, दही जाती रहती हैं उसके अंदर, हमने थोड़ी सी उस दिन देखा था आप लोगों ने ना, हमने वो 6-8 तकरीबन छोड़ी हैं वो जावा,
तो वो जावा ने भी अपने घर अपने बना रही हैं, सेट कर लिए। वो गोल्डियन ने भी अपने अभी स्टार्ट कर दिए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगे बच्चे इनके गोल्डियन के भी। ज़ेब्रा फिंचेस ने तो बच्चों की लाइन लगाई हुई है, बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं और पल भी गए हैं इस दफ़ा। सर्दियाँ सारी में जितने बच्चे निकले हैं सारे मरते रहे हैं, लेकिन अगर अब दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए ये दो भी बच्चे ही बैठे हैं और ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, पल गए हैं, उड़ने पुड़ने लग गए हैं। अच्छा जी, इनके पास पानी वानी है हर चीज़? हाँ ओके। इनकी यार सफाई मैंने करवानी है तो वो इग्नोर करनी है आप लोगों ने। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉकटेल, कॉकटेल के पिंजरे के मैं अंदर जाता हूँ और आप लोगों को ना बच्चे दिखा के लेके आता हूँ इनके। इन्होंने बच्चे अंदर नहीं जा पा रहा है ये जी मैं अंदर आ चुका हूँ इस टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनमें से ना एक मेरी टीम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड लाइट चला लें, पहले ये दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ ओए 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 हमला कर दिया, हमला कर दिया। ये वाइट वाइट बैठी है और वो बेबी है, वो बेबी आप देख सकते हैं। बेबी की टमी नज़र नहीं आ रही, मैं देखना था खाना खिलाया या नहीं इसने, बदतमीज हिलने नहीं दे रहा। और यहाँ पर देखें जी, ये अंडों पर बैठी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बच्चे माशाल्लाह, इनकी टमीज देखें आप कितने मतलब फुल हैं, पले हुए हैं। ये इतना बैली में हम खुद खिला नहीं पाते ना, इसलिए हमसे इतने अच्छे नहीं है ये पल सकते जितनी माँ खुद पालती है। इसने अंडे नहीं अभी तक दिए, ओए इसने भी अंडा दे दिया, एक इसने भी अंडा दे दिया, मज़ेदार काम तो मज़ेदार हो गया। यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं हमें देखने को मिल रहा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ रिंग निक के पिंजरे में और दिखाता हूँ। सेकंड क्लच उसने निकाला कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने ना इससे अलग से फुल वीडियो बनानी है, तो मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा ना तो मुझे वो क्या कहते हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और बार बार फिर जा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ना सुबह आके इनकी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इनकी आएगी। ये इन्होंने फर्स्ट क्लच में 25 बच्चे निकाले थे, 25 इसने 25 बच्चे टोटल निकाले थे फर्स्ट क्लच में, ठीक है 25। और ये जो दीवार के साथ है दो, इसमें 27 बच्चे टोटल निकाले थे, जिनमें एक दो डेड भी हुए थे, वो आपने देखी थी वीडियो ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उनका भी। तो अभी दोबारा से एग्स देने स्टार्ट हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ये देखें इसमें भी एग शेग पड़े होंगे, तो इसके लिए ना मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। कल आपने लाजमी वीडियो देखनी है, कल मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये अगर मैं डव के पास आ जाऊँ तो डव के अंदर चलते हैं। भाई ये बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं मेरे ख्याल में, और यार ये नीचे दे के बैठी है फिर से आज, इसका पता नहीं क्या सीन है। मैं अच्छा इसके अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कोई न्यू छोटे छोटे बच्चे निकले हैं या नहीं, लेकिन ये डर जाती है पता नहीं क्यों, जब मैं अंदर जाता हूँ ना तो फुल मतलब भागना, ओए ये उठ के भाग गई, ये उठ के भाग गई, दो अंडे दिए हुए हैं इसने, वहाँ से निकलने लगी थी बड़ी मुश्किल से बची है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये यार बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे पास, ये भी मैंने सेल कर दी देनी अब, और फिंचेस भी सेल कर देनी है, अब सिर्फ एक्सपेंसिव वाले बर्ड्स रखने हैं इंशाल्लाह मैंने, तो ये मैं सारी ना सेल कर दूँ। अच्छा जी, इनके हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट हूँ तो तीन बच्चे माशाल्लाह जी इसमें पड़े हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक बेबी यहाँ पे पड़ा है और बाकी ऊपर वाली तो खाली है। अच्छा जी, अगर इसके अंदर जाऊँ मैं और तो और खाली हैं खाली हैं खाली हैं, ये सारी खाली हैं। इसमें तीन एग्स पड़े हैं और यहाँ पर पांच चार दिए हुए हैं, दो ने दिए होंगे, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो एग यहाँ पे भी पड़े हैं और दो एग यहाँ पड़े हैं, मतलब कि ये यार मैं आप यकीन मानो 15 दिन में ना 8-10 बच्चे निकाल लेती हैं। और एक बच्चा ये देखें आप, ये बेबी है अभी बिल्कुल ना, ये बेबी है माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है यार, लेवल 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 का खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको मैं यहाँ पे बिठाने की कोशिश करता हूँ, अगर बैठ जाइए, बिठा दिया माशाल्लाह। ये देखें जी, हेलो जी, पानी शानी हमने डाल दिया सबको, दाना शाना डाल दिया, और इस टाइम फुल पसीने आए हुए हैं, शक्ल से आपको लग रहा होगा, और गर्मी भी ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पानी भी थोड़ा थोड़ा सा ना छिड़का दिया आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना पानी हमने छिड़का दिया, जगह ठंडी हो जाती है, फिर चिड़ियाँ ना वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं, और बाकी ये गंद जो नीचे होता है ना, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना यहाँ पे, ये खा लेती हैं उनको, तो ये इनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं होता, इसलिए नीचे आया, ठीक है। और बाकी कॉकटेल्स के बच्चे मैंने आपको दिखा दिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, तो कल जो हम वीडियो बना रहे हैं ना वो बड़ी स्पेशल होने वाली है, हम रिंग निक के अंदर जाएंगे और सबके अंदर देखेंगे सेकंड क्लच में कितने बच्चे निकलने वाले हैं हमारे पास इंशाल्लाह, और आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ये वीडियो फुल देखनी है, ठीक है। ए आर बर्ड्स मेरा यूट्यूब के चैनल है, वहाँ पर आपने जाके ना फुल देखनी है। और
यहाँ पे बैठते हैं, मोबाइल पे नहीं बैठते।